हाय एवरीवन, वेलकम टू जायका विद तड़का चैनल। और आज मैं आप सब लोगों के लिए बनाने जा रही हूँ मखाना रेसिपी। जी हाँ, 3 डिफरेंट फ्लेवर्स में आज मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी चटपटे मखाने, जो कि आप घर बैठे ही बहुत इंजॉय करके खा सकते हैं। अक्सर बच्चों को मुश्किल हो जाता है कि डायरेक्ट मखाने खिलाओ, क्योंकि मखाने ज़्यादा स्वाद नहीं होता है उनमें, लेकिन दे आर रिच इन कैल्शियम और बोन्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं। तो मैंने सोचा कि आज मैं इन मखानों में कुछ फ्लेवर ऐड कर दूं, जिससे कि बच्चों से लेके बड़े तक सब इंजॉय करके खा सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैंने यहाँ पर ले लिया है 1 कप मखाना। यहाँ पर मैं इन्हें ड्राई रोस्ट करूँगी। आप चाहें तो इन्हें देसी घी में भी रोस्ट कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर इन्हें ड्राई रोस्ट करने जा रही हूँ 4 से 5 मिनट के लिए। फ्लेम को आप इस टाइम मीडियम पे ही सेट रखें। तो यहाँ पर 3 से 4 मिनट तक मैं मखानों को ड्राई रोस्ट कर लिया था, और अब ये बिल्कुल क्रिस्पी हो चुके हैं। आप इन्हें ऐसे फोड़ कर देख सकते हैं, ये देखिए बिल्कुल क्रंची हो गए हैं, ये अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। अब हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे फ्लेम को ऑफ करके। अब हम मखानों के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं, जिसे मैंने नमक लिया है स्वाद अनुसार 1/4 स्पून, थोड़ा ब्लैक पेपर, थोड़ा अमचूर पाउडर, लाल कश्मीरी मिर्च 1/4 स्पून, काला नमक 2 पिंच में डाल दूंगी इसमें हींग के। अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पैन में मैंने यहाँ ले लिया है 1 टेबलस्पून देसी घी। घी के गर्म होते ही हम यहाँ पर ये सारा सूखा मसाला इसमें ऐड कर देंगे। अच्छे से आपको ये मसाला इसमें मिक्स कर देना है। और जो मखाने हमने ड्राई रोस्ट किए थे, वो अब सारे मखाने हम इसमें ऐड कर देंगे, और अच्छे से आप इसमें मिला दें। तो इस तरीके से हमारे मसाला मखाना बनकर के तैयार है। अब चलते हैं दूसरे फ्लेवर के मखाना बनाने के लिए। तो ये देखिए किस तरीके से चटपटे मसाला मखाना बनकर के बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। बनाने जाएंगे यहाँ पर सेकंड सेट ऑफ मखाना, जो मैं बनाऊंगी लेमन पेपर फ्लेवर में। इसके लिए मैंने 1 कप मखाना ले लिया है। हम इसे भी ड्राई रोस्ट कर लेंगे 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। खाने यहाँ पर बिल्कुल रोस्ट हो चुके हैं, फ्लेम ऑफ करके अब मैंने भी बाहर निकाल लूंगी, और अब हम इनका मसाला तैयार करेंगे। लेमन पेपर मखाना बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है 1 टेबलस्पून बटर। बटर के मेल्ट होते ही यहाँ पर मैं ऐड कर दूंगी नमक स्वाद अनुसार, थोड़ी काली मिर्च लगभग 1/4 स्पून, 1/4 स्पून लिया है यहाँ पर मैंने चाट मसाला, और लगभग 2 स्पून मैं यहाँ पर लूंगी लेमन जूस। इन सबको आप अच्छे से मिक्स कर दें, और अब आप इसमें अपने रोस्टेड मखाने डाल दें और अच्छे से इन्हें मिक्स कर दें, ताकि मखानों में लेमन का फ्लेवर और सभी मसाले का फ्लेवर अच्छे से एब्जॉर्ब हो सके। सो 2 से 3 मिनट तक हम इन्हें अच्छे से यहाँ पर चला लेंगे। सो 2 से 3 मिनट तक मैंने इन्हें अच्छे से रोस्ट कर लिया है बटर और लेमन पेपर में। अब मैं यहाँ पर करती हूँ फ्लेम को बंद, और अब हम इसे बाहर निकाल लेते हैं। तो नेक्स्ट गार्लिक फ्लेवर मखाना तैयार करने के लिए मैं फिर से पैन में ले लूंगी 1 कप मखाना। इन्हें हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। मखाने यहाँ पर ड्राई रोस्ट हो चुके हैं, हम इन्हें भी बाहर निकाल लेते हैं, और अब गार्लिक मखाना बनाने के लिए हम उसका मसाला तैयार कर लेते हैं। गार्लिक मसाला बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे लूंगी 1/4 टेबलस्पून सॉल्ट। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अनुसार लें। 1/4 काली मिर्च, 1/2 स्पून चिली फ्लेक्स, 1/2 स्पून गार्लिक पाउडर, और 1/2 स्पून ड्राइड मिंट लीव्स। अब हम इन सबको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। पैन में मैंने यहाँ ले लिया है 1 टेबलस्पून देसी घी। घी के गर्म होते ही हम इसमें यहाँ पर ये मसाला डाल देंगे जो हमने प्रिपेयर किया था। अच्छे से आप इस मसाले को घी में मिक्स कर दें, और अब जो मखाने हमने रोस्ट किए थे उनको भी ऐड कर देंगे। 3 से 4 मिनट तक आप मखानों को अच्छे से इस मसाले में चलाएं, ताकि ये मसाला अच्छे से मखानों में रैप अप हो जाए। इस तरीके से हमारे गार्लिक मखाना भी बनकर के तैयार हो गए हैं। अब हम इन्हें बाहर निकाल लेते हैं।
तो देखिए बनकर तैयार हो गया ना हमारे चटपटे मखाने, वो भी 3 डिफरेंट फ्लेवर्स में। अब बच्चे तो क्या बड़े भी उंगलियां चाट चाट के ही ना खाएंगे। और बहुत ही आसान है, 10 मिनट में 3 तरीके के फ्लेवर बनकर के बिल्कुल रेडी हो जाते हैं। कुछ नहीं करना है आपको ज़्यादा, सारे मसाले आपके घर में अवेलेबल हैं। ये बना है हमारा गार्लिक चिली फ्लेक मखाना, ये बना है हमारा मसाला मखाना, और ये बना है हमारा लेमन मखाना, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है तीनों खाने में। तो अगर आपको आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करके अपना प्यार दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचने पाए। अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट है कि मैं अपने चैनल पे कोई रेसिपी लेकर आऊं, तो ज़रूर से अपने व्यूज शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए आप सब लोग खुश रहें, सलामत रहें। आई विश यू गुड लक टू ऑल ऑफ यू, स्टे हेल्दी एंड सेफ। गुड बाय एवरीवन।